विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात स्थिति कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक माइकल रयान ने मंगलवार को बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि महामारी इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगी, लेकिन कोरोना वायरस को समाप्त करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे वायरस कभी खत्म नहीं होते हैं और अंत में वो पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनकर हमारे साथ ही रहने लग जाते हैं। ऐसे ही कोरोना वायरस भी अन्य बीमारियों की तरह ही हमारी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में चल रही असमानताओं को दुरुस्त कर स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त करना जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को चेतावनी देते हुए कहा कि लोग ये नहीं सोचे कि कोविड-19 महामारी एक स्थानिक बीमारी होने की राह पर है, तो इसलिए इसका खतरा कम हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रयान ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्चुअल सेशन में कहा कि लोग पेंडेमिक बनाम एंडेमिक की बात कर रहे हैं, जबकि मलेरिया और एड्स जैसी स्थानिक बीमारियां हजारों की जान ले लेती है। दावोस में वैक्सीन इक्विटी पर जुड़े कार्यक्रम में माइकल रयान ने बताया कि एंडेमिक का मतलब है कि कोई बीमारी स्थायी रूप से आबादी में संचारित होती रहे। कोरोना महामारी जिस तरह से विकसित हो रही है, उससे ये लगता है कि ये वायरस अब पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला है और स्थायी रूप से संचारित होने वाला एंडेमिक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानिक बीमारी का मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा होता है, इसका बस यही मतलब है कि ये अब बीमारी हमेशा हमारे साथ रहेगी। माइकल रयान ने बताया कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है, लेकिन ये अन्य वेरिएंट्स की तुलना में कम घातक है। माइकल रयान ने कहा कि इस बीमारी के मामलों में कमी लाने के लिए हमें अधिक से अधिक वैक्सीनेशन की जरूरत है, ताकि किसी व्यक्ति की मौत नहीं हो। उन्होंने कहा कि मेरे नजरिए से ये इमरजेंसी या महामारी का अंत है। रयान ने कहा कि 2022 में कोरोना से होने वाली मौतों और अस्पताल में मरीजों की भर्ती से जुड़े मामले कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन से महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने महामारी से जुड़े गंभीर मामलों में वैक्सीन से 3 से 4 डोज की संभावनाओं पर जोर दिया और कहा कि पूरी दुनिया की आबादी का अधिकतम टीकाकरण किए जाने की जरूरत है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि संक्रमण के मामले निम्न स्तर पर आ जाएं। कोरोना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।